हेलो यूट्यूब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे फेसबुक कस्टम ऐप के थ्रू हम यूज़र के बिहाफ पे उसकी टाइमलाइन पे कोई भी लिंक कैसे पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं इस सीरीज़ की, उनका ओवरव्यू देना चाहूँगा। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि फेसबुक ऐप कैसे सेटअप करनी है, आईडी और सीक्रेट कैसे जनरेट करना है, और उसके अलावा कोड फेसबुक के कहाँ से उठाना है। और हमने आईडी और सीक्रेट जनरेट करके फेसबुक के डेवलपर साइट से कोड कॉपी किया। उसके अलावा हमने जैम के लोकल होस्ट पे जाके वो कोड एक न्यू फोल्डर बना के पेस्ट किया, और उस कोड के थ्रू हमने यूज़र से एक्सेस टोकन जनरेट किया। सेकेंड वीडियो में हमने उसी एक्सेस टोकन को यूज़ करते हुए कुछ मॉडिफिकेशन की, और जिनके थ्रू हमने यूज़र से ईमेल, आईडी, नेम और एल्बम लिस्ट जनरेट की। तो आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। ज़ैम्प में जाएंगे, इसकी रूट डायरेक्टरी में गए। ये हमारा फोल्डर था माय ऐप का, दो फाइल्स हमने क्रिएट की थी, कोड हमने इनका डेवलपर साइट से उठाया था फेसबुक की, और इसमें PHP SDK हमने डाउनलोड की थी ऑफिशियल साइट से, और यहाँ पे उसमें से एक फोल्डर फेसबुक का यहाँ पे पेस्ट किया था। दोनों फाइल्स को ओपन कर लेते हैं बारी बारी। फर्स्ट फाइल login.php में हमें एक एक्स्ट्रा परमिशन ऐड करनी है। परमिशंस में देखें, दो परमिशन हम यूज़र से ले रहे हैं जो ऑप्शनल हैं, ईमेल और यूज़र फ़ोटोज़। ये यूज़र की मर्ज़ी है कि वो इन परमिशन को का एक्सेस हमें देना चाहे या उन्हें रिवोक कर दे। एक और एक्स्ट्रा परमिशन हम यूज़र से ले रहे हैं, वो है पब्लिश एक्शंस की। इस परमिशन के थ्रू हमें यूज़र अलाउ कर रहा है कि हम उसके बिहाफ पे ऐप के थ्रू पोस्ट कर सकते हैं। सेव करेंगे। उसके अलावा दूसरी फाइल में जाएंगे callback.php में, और इसके एंड पे आ जाएंगे। एंड पे हम रिस्पॉन्स से लेकर एंड तक PHP टैग्स तक का कोड हम रिमूव कर देंगे, और इसके अलावा अपना कोड यहाँ पे लिखते हैं। फर्स्ट लिंक डाटा इज इक्वल टू, ये लिंक का डाटा होगा जो लिंक हम यूज़र के बिहाफ पे पोस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट आ जाएगा लिंक, जो लिंक हमने पोस्ट करना है। ये सिंगल कोट्स में आएगा लिंक, और ये वेरिएबल भी नहीं है। लिंक में लिंक का एड्रेस www डॉट, मैं अपनी साइट का लिंक दूंगा, gtech360.info। उसके बाद मैसेज आ जाएगा जो यूज़र का लिंक के ऊपर मैसेज शो होगा, मैसेज में हम टाइप करेंगे यूज़र की बिहाफ पे चेक आउट दिस साइट। ये डाटा हमने पॉपुलेट कर दिया, सेमी कॉलन से टर्मिनेट करेंगे। उसके बाद रिस्पॉन्स का वेरिएबल लेंगे, उसके बाद API को कॉल करेंगे FB पोस्ट, /me /feed linkdata
एक्सेस टोकन, ये वेरिएबल के नेम सेम होने चाहिए। अगर आपने वहाँ लिंक डाटा का वेरिएबल लिया, यहाँ लिंक डाटा, अगर आपने वहाँ एक्सेस टोकन के नाम से सेव किया तो यहाँ पे एक्सेस टोकन का वेरिएबल। उसके बाद ग्राफ नॉट एक और वेरिएबल हमने लिया, इसमें हम एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन कॉल करते हैं, गेट ग्राफ नोड। इसको आपने एज इट इज़ टाइप करना है क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन है। उसके बाद हम ये रिस्पांस जो आएगा इसको हम एको करा देंगे। रिस्पांस हमारे पास ग्राफ नोड में सेव हुआ है एरे की फॉर्म में। लिंक पोस्टेड सक्सेसफुली, ये हमारे पास मैसेज आएगा जब लिंक पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद कॉन्कैटिनेट कर देंगे जो हमें शो कराना है। ग्राफ नोड, और उसके बाद हमारे पास रिस्पांस में आईडी आएगी पोस्ट की, जो पोस्ट हमने शेयर करवाई है यूज़र से, तो यहाँ पे हम आईडी को एको करेंगे। उसके बाद सेव कर देंगे। ऐप की डायरेक्टरी में आते हैं यहाँ से। अनेबल, मेरा ख्याल है जैम्प नहीं चल रहा, पहले जैम्प को ऑन करते हैं क्योंकि लोकल होस्ट पे है, तो हमें अपाची चलाना होगा। माई एस क्यू एल मर्ज़ी आपकी, चलाएं ना चलाएं, मगर अपाची चलाना मस्ट है। ये हमारे पास लोकल होस्ट आ गया है। लॉगिन डॉट पी एच पी ओपन करेंगे, लॉग इन विथ फेसबुक। ये दोबारा हमारे पास ऑथ डायलॉग आ गया है क्योंकि हम एक और एक्स्ट्रा परमिशन ले रहे हैं। ऑल दो हमने पहले ही इस ऐप को परमिशन दी हुई है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा परमिशन होने की वजह से ये डायलॉग दोबारा आया, वो है पोस्ट टू फेसबुक फॉर यू, यानी कि हमारी ऐप उसकी तरफ से फेसबुक पे पोस्ट करेगी। हम ओके करते हैं और ये देखें हमारे पास आईडी आ गई है, लिंक पोस्टेड सक्सेसफुली और ये पोस्ट की आईडी आ गई है। अब हम जाके चेक करते हैं कि वाकई पोस्ट लिंक पोस्ट हुआ है या नहीं। अपनी टाइमलाइन पे जाता हूँ मैं, और ये देखें ऐप का नाम आ रहा है माय फर्स्ट ऐप। उसके बाद ये मैसेज चेक आउट दिस साइट, ये लिंक, और ये पूरा हमारे पास डाटा सारा, ये उसकी पोस्ट आईडी। तो इसका मतलब है हमारी पोस्ट सक्सेसफुली टाइमलाइन पे पोस्ट हो गई है, हमारा लिंक। तो ये तो था आज का ट्यूटोरियल्स, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इस ट्यूटोरियल को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप प्रीवियस दोनों वीडियोस देखें, और अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हो सके तो शेयर कीजिएगा। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।